अली गोहर ऑफिशियल के नाजरीन हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आज के प्रोग्राम में मैं खासकर पीर मकसूद मदनी साहब, जो कि मेरे 30 साल से दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, हमने बहुत ज़िंदगी एक साथ गुजारी है, उनको मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ। उन्होंने तिब्बती जनजाति कॉन्फ्रेंस मुनक़द की और तमाम मसालिक के उलमाए किराम को बुलाया। आज जो साहब बिरादरी को अवार्ड दिए जा रहे हैं, ये वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और अगर हम इसी तरह ही इनको सहराते रहेंगे तो इनके हौसले बुलंद होंगे। और ये साहबी बिरादरी इसी तरह लगन से, मोहब्बत से उलमाए कराम का पैगाम जो है वो आगे पहुंचाते रहेंगे। जिस तरह मेरे पीर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब ने पहले एक इसी तरह ही वहदत अमन कॉन्फ्रेंस करवाई और उसको कामयाब भी किया और तमाम लोगों को अवार्ड भी दिए जो कि मुस्तहिक थे। आज उसी तरह ही मेरे पीर मकसूद मदनी साहब, जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस मुनक़द करवाई, इसी तरह ही दुआ है कि तमाम दोस्त जो कि इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं, इस्लाम को आगे लेकर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, पाकिस्तान को एक रखना चाहते हैं और मसालिक से बालातर होकर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करूंगा। वो आगे आए और मुल्क कौम की खिदमत करें, यही हमारा मिशन है, यही हमारे पीर का मिशन है, मकसूद मसीह मदनी साहब का मिशन है, नूरुल इस्लाम का मिशन है, जो उन्होंने ये गुलदस्ता सजाया और तमाम उलमाए किराम को इकट्ठा किया। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, मीडिया वालों का बेहद मशकूर हूँ कि वो हमारा पैगाम आगे पहुंचाते रहते हैं और खासकर डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब, जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, जिन्होंने मुझे ये चलना सिखाया है। ये चलना मुझे, मैं इस काबिल भी नहीं हूं, मैं तो दुनियादार आदमी हूं। कहते भी हैं उलमा साहब के ये दुनियादार है, मैं हूं भी दुनिया।